गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी मैं और माँ दोनों लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। आज माँ को करीब 20 से 22 दिन हो गए हॉस्पिटल आने जाने से, और जो उनका घाव है सूख रहा है लेकिन उतना भी नहीं सूख रहा है। बेचारी बहुत प्रॉब्लम में है। रात में तो बहुत ही ज़्यादा कराह भी रही थी और लगी चिल्लाने के पैर दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। तो फिर डॉक्टर को फ़ोन किया गया तो डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन देने के लिए, बट इतने रात में इंजेक्शन मिलता कहाँ। करीब 10, 10:30, 11 के आसपास हो रहा था, तो बाकी सारी दुकानें तो बंद हो जाती हैं। आई नो मेडिकल खुला होता है, बट मैं घर पे अकेली थी ना, तो मैं रात में नहीं जा सकती लाने के लिए। बेचारी ने पूरे रात दर्द बर्दाश्त किए, और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर से, अच्छे से बात करेंगे, फिर रिटर्न आऊँगी। आज पूरा दिन मुझे बहुत सारा काम है, सो पूरा दिन दिखाऊंगी मैं जो भी करूंगी। तो अभी माँ को दिखा दिया गया है डॉक्टर से, और डॉक्टर ने बोला कि घाव अभी भरा नहीं है, अंदर घाव है तो थोड़ा समय लगेगा। सुनिए ना, जो डॉक्टर यहाँ पे लिखा है ना मेडिसिन, वो मेडिसिन चाहिए, और मैं आई हूँ मेडिसिन लेने के लिए। मेडिसिन लेके यहाँ से निकलती हूँ, और माँ वेट कर रही हैं। डॉक्टर क्या करे बेचारा, वो भी देख ही रहा है, लेकिन घाव इतना गहरा है कि मतलब वो भर नहीं रहा है, थोड़ा समय ले रहा है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, काफ़ी है। आप लोग को याद ही होगा ये वाला ड्रेस, इसको लेने के लिए मैं यूनिवर्सिटी गई थी, क्योंकि डिग्री लेने के लिए मुझे ये ड्रेस पहनना पड़ता। सो मैं इसको अभी जा रही हूँ यूनिवर्सिटी को रिटर्न करने। अभी मैं घर से निकल गई हूँ, और पूरे एक हो रहे हैं, जो सूर्य देवता है मुझ पर बहुत ही ज़्यादा कृपा बरसा रहे हैं। इतनी ज़्यादा धूप कर दिया है कि हालत ख़राब हो रही है, बट जाना पड़ेगा क्योंकि टाइमिंग है ना, अगर टाइम से नहीं गए तो फिर रिटर्न नहीं होगा, और यूनिवर्सिटी मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। सो मैं कल नहीं जा सकती, कल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरे पास डेट नहीं है इसको जमा करने का, तो इसको आज ही करना पड़ेगा। और वहाँ से भाग के आऊँगी मैं, क्योंकि घर पर मुझे बहुत सारा काम है। अभी जो मेरी हालत है ना, कुत्तों नहीं बोल सकती, मेरी बेटी को बुरा लग जाएगा, गद्दों वाली हो गई है। सुबह से शाम तक सिर्फ दौड़ रही हूँ मैं 3-4 दिनों से। सो तो मिलते हैं यूनिवर्सिटी। फाइनली दोस्तों यूनिवर्सिटी पहुंच गई हूं, और अभी जा रही हूं पासबुक का प्रिंट आउट निकलवाने, और एक रिसिप्ट है पेमेंट रिसिप्ट, उसका प्रिंट आउट निकालूंगी, फिर अंदर जमा होगा। आज बहुत दौड़ने वाली हूं, और यहां तक पहुंचने में इतनी हालत ख़राब हो गई, मैं आपको क्या बोलूँ। मुझे ऑटो मिल नहीं रहा था, मुझे मजबूरन बस लेना पड़ा, और बस में इतने ज़्यादा लोग घुस गए थे कि आने में बहुत दिक्कत हुआ, उल्टी जैसा मेरा मन हो गया। और उसी में जो लोग मोटे गिरे थे ना, वो लोग मेरे पैर पर चढ़ चढ़ के उतर रहे थे, क्योंकि स्पेस तो था नहीं। मेरा जो बिच्छू है ना पाँव में का, वो चुभ गया है, बहुत पेन हो रहा है। और अभी आ गई हूँ जीरोक्स वाले दुकान पर, यहाँ से जीरोक्स कराती हूँ। मैं रिसिप्ट लेके आई जो मुझे चाहिए था, मुझे लगा कि एक रिसिप्ट से काम हो जाएगा, बट यहाँ पे दो रिसिप्ट चाहिए। ये पटना यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा घुमाता है। सो मैं अभी दोबारा जा रही हूँ फोटो स्टेट के पास, उनसे एक और रिसिप्ट लूँगी, फिर यहाँ पे आऊँगी, फिर जमा करूँगी। और ये रिकॉर्ड रहा है, मैं जब जब पटना यूनिवर्सिटी आई हूँ मैं सुबह से शाम करके ही गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दौड़ाया जाता है, एक काम फटाक से नहीं होता। अब जो भी हो करना तो पड़ेगा ना, और आई हूँ तो मतलब इतनी तकलीफ़ से आई हूँ, कैसा फील हो रहा है कि मैं अभी गिर जाऊँगी, इतना मेरा सर घूम रहा है। पानी पिया है उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, अचानक से तबीयत डाउन हो गई, ऐसा लग रहा है कि मुझे बेड मिल जाए, बस मैं यहीं पे सो जाऊँ, थोड़ा सा रेस्ट चाह रही हूँ। ओ गॉड, फाइनली दोस्तों काम हो गया, और इतनी चली कि मैं थक गई, और पता है मेरा सर इतना भयानक घूमने लगा कि मुझे एक जगह बैठना पड़ा, और उसके बाद पानी लेके मुँह पर मारना पड़ा। अभी दोबारा पानी मुँह पर मारी हूँ, फिर मैंने सोचा कि घर भाग के चलते हैं, 1-1.5 घंटा सोऊँगी और उसके बाद बाकी का काम करूँगी। पता नहीं अजीब होने लगा, क्यों ऐसा होने लगा पता नहीं चला। अभी जाने में भी धक्का खाते हुए जाना है। मैंने सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ तो यहाँ से मैं अपने कॉलेज चली जाऊँगी, साइंस डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ साइंस कॉलेज बगल में ही है, मात्र 2 मिनट का दूरी है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है, सो कॉलेज नहीं जाऊँगी, अभी मैं घर भाग के जाऊँगी, वरना रास्ते में गिर गई ना तो समस्या हो जाएगी, है कि नहीं। मैं यूनिवर्सिटी के अपोजिट साइड में खड़ी हूँ 10 मिनट से, ऑटो आ ही नहीं रहा है और ना ही बस आ रहा है। बस का वेट कर रहे हैं कि बस आए, एटलीस्ट वो छोड़ दे, बट वो भी नहीं आ रहा है। इधर मेट्रो का काम चल रहा है ना, और ट्रैफिक जाम, इसकी वजह से बहुत कम ऑटो जा रहे हैं। सो कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वेट करें या नहीं तो पैदल चलें। पैदल चल नहीं सकते क्योंकि है 2-3 किलोमीटर गांधी मैदान, तो चल के हो नहीं पाएगा। एक ऑटो आ रहा है, पूछती हूँ मैं, शायद ले लें। गांधी मैदान नहीं,
कहती पता नहीं, स्कूल बस आ रहा है, इसे जा नहीं सकते, एक ऑटो पूरा फुल जा रहा है, प्रॉब्लम है भाई साहब, बहुत प्रॉब्लम है। मामा इज बैक। अरे कहाँ गई थी, तेरे सर पे क्या लगा है, दिखाई दे। हाँ 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 हाँ, लड़ाई करो बस, मामा को जीने मत देना, मामा को काट खाना। किधर गई ये लड़की, बहुत गोल गोल घूमती है। और मामा घर आ गई बेटा, क्या हुआ हाँ, ये देखिए इसकी शैतानियाँ। अच्छा मामा से आशीर्वाद ले रही हो, खूब खुश रहो और जीवन में सक्सेस करो। एक मिनट, सक्सेस का आप क्या करोगे, आपको खाने को मिले, आपका पेट भरा रहे और आप अच्छा व्यवहार रखो एंड बच्चे कम करना, और ये जो हरकतें आप कर रहे हो ना ऐसे वाले, ये हरकतें कम करना। यस यस, नहीं मामा भी फ्री नहीं है बिल्कुल भी, आपकी मालिश वगैरह नहीं कर सकती। हाँ माई बेबी, क्या है? अच्छा आप लोगों को हेलो बोल रही है। ओके चल जान दे मामा को, मामा लेट हुई है। तो मैं अभी जस्ट घर पहुंची हूँ और गड़बड़ी ये किया है मैंने कि मैंने कुछ खरीदा नहीं है इसके खाने के लिए, इसलिए इसका मुंह बन गया है और बहुत ज़्यादा गुस्सा रही है, मुझे गुड़रा रही है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मुझे काट खाएगी, लेकिन क्या करें, मम्मा हूँ ना मैं, इसकी दो तीन चाट लगाती हूँ मैं। हाँ देखिए अभी रात के हो रहे हैं 8, तो अभी कुछ है नहीं शेयर करने के लिए आपके साथ, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।